हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं हूं सूरज और आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पहला क्विज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की क्विज होगी, मतलब एकदम उस थिंकर से रिलेटेड एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको पता होने ही चाहिए, वही मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो वी विल एवेंचुअली इसको लेवल हाई किया जाएगा, लेकिन अभी हम शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, हु सेड दैट अ रूलर who governs by virtue is like the North Pole star which remains in its place while all other stars revolve. Options are A. Confucius, B. Socrates, C. Augustine and D. Plato. चलिए, उसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने ये बात कही थी कि एक अच्छा रूलर वैसा होता है जो उसकी एक अच्छा रूलर की क्वालिटी होती है जैसे कि एक नॉर्थ स्टार के ध्रुव तारे की होती है, यानी कि वो अपनी एक जगह पर ही स्थिर रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तारे रिवॉल्व करते हैं लेकिन वो अपनी एक जगह पर स्थिर रहता है वो। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज वर्ड जेन इन कन्फ्यूशियस फिलॉसफी स्टैंड फॉर। ऑप्शंस आर पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मोरल वर्च्यू एंड इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं, कन्फ्यूशियस ने जेन वर्ड का यूज़ किया था, वो किसके लिए यूज़ किया था आपका, मोरल वर्च्यू यानी कि मोरालिटी के लिए। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड मोरालिटी के लिए यूज़ किया। उन्होंने कहा था कि जेन इज़ दैट विच मेक्स अ मैन अ मैन। जेन यानी मोरल वैल्यूज़ वो होते हैं जो एक आदमी को आदमी बनाते हैं, ठीक से ढंग का इंसान बनाते हैं। ओके, फॉर हिम जेन इज़ द सम ऑफ ऑल मोरल वर्च्यूज़, सबको मिला करके सम ऑफ ऑल मोरल वर्च्यूज़, सारी अच्छी चीजों को मिलाकर क्या बनता है आपका, जेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ प्लेटो। ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आई थिंक, रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका करेक्ट आंसर सब लोग जानते होंगे आई गेस, उसका आंसर है डी। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिखा है, ठीक है, प्लेटो ने क्या लिखा, उन्होंने एक और बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, सिंपोजियम। ओके, सिंपोजियम नाम की बुक में लिखी थी, द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन एंड द सिंपोजियम। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लेटोज एजुकेशन ऑफ फिलोसोफर्स। अब बताइए, ऑप्शंस आर अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, एस्ट्रोनॉमी एंड हार्मोनिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, अल्जेब्रा। अब देखते हैं, प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी कि हाँ फिलोसोफर को कौन कौन सा एजुकेशन मिलना चाहिए, उसमें क्या क्या उन्होंने बोला था कि पहला अर्थमेटिक मिलना चाहिए। ओके, अर्थमेटिक मिलना चाहिए, उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, और क्या पढ़ना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहिए, और हारमोनिक्स यानी कि म्यूज़िक का भी उसे ज्ञान ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीज़ें बोलते हैं वो, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड हारमोनिक्स, अलजबरा की बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, प्लेटो डिवाइडेड ह्यूमन सोल इंटू थ्री पार्ट्स, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, देखिए, प्लेटो ने बोला था कि स्टेट इज लाइक ए ह्यूमन बींग, स्टेट इज लाइक ए ह्यूमन बींग। उन्होंने ये भी बात कहा था, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी कि स्टेट एक इंडिविजुअल का ही एक बड़ा वर्जन है। ठीक है, उसका एक बड़ा वर्जन है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एक ह्यूमन बींग के पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। ओके, और उन्होंने इन तीन वैल्यूज को, तीन एलिमेंट को कंपेयर किससे किया, फिलोसोफर्स, सोल्जर्स एंड वर्कर्स से। वो बोलते हैं कि इन सभी के पास एक अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है, इन तीनों में से हर आदमी के पास, किसी के पास रीजन ज़्यादा होता है, किसी के पास स्पिरिट ज़्यादा होती है, किसी के पास एपेटाइट ज़्यादा होती है। जैसे कि वो बोलते हैं कि रीजन किसके पास होता है, रीजन होता है आपका फिलोसोफर के पास, किसके पास, फिलोसोफर्स के पास। ठीक है ना, फिलोसोफर्स के पास। ठीक है,
फिलोसोफर का क्लास पास रीजन ज्यादा होता है, वो बोलते हैं कि दे हैव एबिलिटी टू थिंक इंटेलिजेंटली, वो दिमाग का सही उपयोग करते हैं और ध्यान से अच्छे से सोच सकते हैं वो। इसके बाद आता है स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स क्या होता है? स्पिरिट मीन्स होता है करेज। स्पिरिट मीन्स करेज। और करेज किसके पास होता है? कौन सी क्लास के पास होता है करेज? होता है आपका सोल्जर क्लास के पास। किसके पास? सोल्जर। सोल्जर क्लास के पास करेज होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है? एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है? एपेटाइट होता है क्वालिटी ऑफ द वर्क। एपेटाइट क्या है? एपेटाइट सबसे अधिक किसके अंदर पाई जाती है? थर्ड किसके पास? वर्कर्स के पास। अब एपेटाइट का मतलब क्या होता है? एपेटाइट का मतलब होता है कि ग्रेट इंटरेस्ट टू वर्क एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स इमीडिएटली। वो किसी एक काम बहुत मन लगाकर करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्टिंग काम हो गया, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ये तो खाना बनाना हो गया, या कोई भी काम अदर देन थिंकिंग एंड फाइटिंग या सोल्जर रिलेटेड काम, ठीक है। तो वो सारा काम किस में आ जाता है आपका? वो आ जाता है वर्कर क्लास का, यानी कि एपेटाइट का, ठीक है। तो उसका करेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है? सबसे पहले आपका रीजन आता है, फिर आता है स्पिरिट, फिर आता है एपेटाइट। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ई, रीजन, स्पिरिट एंड फिर एपेटाइट। चलिए सिक्स क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द प्लेटो रिपब्लिक? बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। प्लेटो अपने पूरे रिपब्लिक में जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है ना, पूरे अपने इस बुक में रिपब्लिक में जस्टिस की बात करते हैं। और इवन आप देखेंगे कि इनकी बुक का सबटाइटल भी क्या था? रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है, कंसर्निंग जस्टिस। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इनकी अगर बुक का सब टाइटल ही जस्टिस से रिलेटेड है, तो वो उस पर कितना एम्फेसिस किए होंगे, कितना कंसर्न उनको रहा होगा जस्टिस का, ठीक है। और समाज में जस्टिस को स्थापित करने के लिए उन्होंने फिलोसोफर किंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है, फिलोसोफर किंग की थ्योरी उन्होंने दी थी। चलिए सेवंथ क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट एन अनएग्जामिंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग? ऑप्शंस आर प्लेटो, सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस एंड एरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग वाला है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ये की बात करता है। ये आपका स्टेटमेंट दिया है सोक्रेटिस ने। किसने दिया है? सोक्रेटिस ने, ठीक है। अब देखिए सोक्रेटिस क्या बोलते हैं? सोक्रेटिस ये बात क्लियरली बोलते हैं कि लिविंग अ लाइफ वेर यू लिव अंडर द रूल्स ऑफ अदर, किसी और के नियम के अनुसार आप रह रहे हो, ठीक है, विदाउट एग्जामिन कि वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको बिना सोचे हुए एक आप फिक्स पैटर्न पर सुबह 6 बजे उठकर ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, ये ऐसी लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। वो बोलते हैं कि ह्यूमन्स मस्ट स्क्रूटनाइज देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू लिव ए फुलफिल्ड वन। अगर इंसान को सही से रहना है तो उसे सोचना चाहिए कि हम वो कैसी लाइफ जी रहा है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे। व्हाट वाज़ द नेम ऑफ स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय एरिस्टोटल? तो इसका क्या सीरियस आंसर है आपका? लिसियम, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो इसका आंसर हो गया लिसियम। एकेडमी किसने स्थापित की? एकेडमी स्थापित की थी प्लेटो ने, ठीक है ना, किसने? प्लेटो ने, ठीक है। और प्लेटो के मरने के बाद एरिस्टोटल चला जाता है और अपना अलग से एकेडमी शुरुआत करता है, ठीक है ना। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज टॉट बाई हू अमंग द फॉलोइंग? उसका सीरियस आप भी जानते हैं, इसका आंसर क्या है इसका? एरिस्टोटल। ओके, अब देखिए आपका सोक्रेटिस ने पढ़ाया प्लेटो को, प्लेटो ने पढ़ाया एरिस्टोटल को, और एरिस्टोटल ने पढ़ाया अलेक्जेंडर द ग्रेट को, ठीक है। एरिस्टोटल ने पढ़ाया अलेक्जेंडर द ग्रेट को, ठीक है। ये एरिस्टोटल ने प्लेटो के एकेडमी में पढ़ाई की थी, ठीक है ना, एकेडमी में। कहाँ पढ़ाई की थी? एकेडमी में, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आते हैं हम टेंथ क्वेश्चन पर। एरिस्टोटल वॉज डिस्पेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने बात की है, ठीक है, एरिस्टोटल ने पढ़ाया किसे? पढ़ाया अलेक्जेंडर द ग्रेट को, और वो किसका डिस्पेल था? वो था आपका प्लेटो का। किसका? प्लेटो का, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिस्पेल ऑफ प्लेटो, ठीक है ना। प्लेटो के साथ उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी? एकेडमी में, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा इस क्विज में बहुत ही इजी और बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और हमने एक कोशिश की है कि
हर यूनिट से मिनिमम 50 क्वेश्चन हम आपके पास सामने लेके आए जो कि एकदम बेसिक हो। मतलब मैं ये तो बोल सकता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी नहीं आ रहा है ना, तो अब जब आप एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब आप जाएंगे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन को एलिमिनेट करने में जरूर हेल्प करेंगे ये, क्योंकि अभी ये काफ़ी हमने लो लेवल इसका रखा हुआ है। हम धीरे धीरे, जैसे कि मैं जब पूरे यूनिट को कवर कर लूँगा, हर यूनिट से 5 क्विज और 2 प्रीवियस ईयर क्विज, ठीक है, इनको कवर करने के बाद हम जब इसकी 6वीं क्वेश्चन की सीरीज जब लाएंगे, तो हम इस लेवल को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगा हो तो इसे लाइक करिए, और बाकी आप लोगों का ही अगर आप शेयर करते हैं बाकी दोस्तों में और बाकी लोग देखते हैं, तो इससे हमारा एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ, इतने लोगों को मैं बेनिफिट कर पा रहा हूँ, ठीक है, और इसीलिए हम भी फिर टाइम निकालते हैं। तो चलिए, थैंक यू इस बात के लिए।